Hello, welcome to Marshall Institute, and today I'm going to take class 10th mathematics. और बेटा आज मैं एक बिल्कुल ही नया चैप्टर शुरू करने लगा हूँ जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट आज हम इसका कोई सम सॉल्व जो है वो शायद ही करें, बिकॉज आज मैं आपको इसकी जो यूजेज हैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी इंट्रोडक्शन है उसको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। और क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो पुराने लेक्चर्स हैं आप उनको अच्छे तरीके से स्टडी कर लो, सो दैट कि आप अच्छे से इस चैप्टर पे कंसंट्रेट कर पाओ। सो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। बेसिकली बेटा कोऑर्डिनेट्स जो है वो जैसे कि हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एक एक्सिस होती है हमारे पास, एक वाई एक्सिस होती है, वो कुछ इस तरीके का हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम बन जाता है। इस एक्सिस को हम एब्सिसा बोल देते हैं, इसको हम ऑर्डिनेट बोल देते हैं वाई एक्सिस को। तो बेटा जैसे अगर कोई पॉइंट हो यहां पे, तो उसके पहला जो एलिमेंट होता है उसको एक्स बोलते हैं और दूसरा जो होता है उसको वाई बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही यहां पे सपोज करो कि हमारे पास कोई दूसरा एलिमेंट है एक्स डैश कॉमा वाई डैश, तो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के अंदर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इनकी रेशियो ले सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपको पॉइंट दिया है, सपोज करो एक पॉइंट दिया है एक्स वन कॉमा वाई वन और दूसरा पॉइंट आपको दिया है एक्स टू कॉमा वाई टू, तो ये जो दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं यहां पे, अगर मेरे को इनके बीच वाला ये डिस्टेंस डी फाइंड आउट करना है, तो इस डी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मेरे पास है, डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, वाई टू में से वाई वन को माइनस करके लिख देना है, उसका स्क्वायर कर देना है, एक्स टू में से एक्स वन को माइनस करके उसका स्क्वायर कर देना है और उसका कर देना है अंडर रूट। सो दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर्मूला। गेम चेंजर फॉर्मूला क्यों? क्योंकि इसके साथ आप बहुत कुछ डिफाइन कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, सपोज करो अगर इन दोनों में डिस्टेंस निकालना है, ये काम तो आप इसके साथ कर ही सकते हो, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर सपोज करो आपके पास ये, सपोज करो ये था ये बी था, अगर एक पॉइंट ए हो एक बी हो और एक सी हो, तो इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन हो, तो अगर आपको ये प्रूफ करना पड़ जाए कि हमारे पास ये तीनों कोलिनियर हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, फिर आप बी सी का डिस्टेंस निकालोगे, फिर आप दोनों को जब आप एडअप करोगे ए बी प्लस बीसी, अगर तो वो एसी के बराबर आया, देन द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, तब वो तीन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। बट अगर मेरे पास ये ए बी प्लस बीसी इज नॉट इक्वल टू एसी हो, तो ये पॉइंट जो होंगे, दीज थ्री पॉइंट्स जो कि है मेरे पास ए बी सी, अगर बाय चांस यानी कि मेरे पास कोई ऐसे की कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है ए बी सी की, जिसमें ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर नहीं आता, तो मेरे को ये थ्री पॉइंट्स विल बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। सो बेसिकली क्या है कि अगर डिस्टेंस निकालना आता है आपको दो पॉइंट्स के बीच में, तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, आप ये भी प्रूफ कर सकते हो कि हमारे पास कोई तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है। अगर तो कोलिनियर है तो ये उनका कंडीशन है, और अगर वो कोलिनियर नहीं है तो वो 100% तीन पॉइंट्स मिलकर एक ट्रायंगल बनाते होंगे। और अगर आपके पास बाई चांस ये ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाए, थर्ड कंडीशन क्या है कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाए, तो पर नॉट इक्वल टू ए सी हो, तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी।
और अगर मैं हमारे पास ये तीनों बराबर हो जाएं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये तीनों के तीनों बराबर हो जाए तो हमारे पास इक्वी लिटरल ट्राइंगल हो जाएगी, इक्वी लिटरल ट्राइंगल हो जाएगी। यानी कि अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना आ जाए तो अगर आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं तो यू कैन फाइंड मच मोर थिंग्स। अब जैसे पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे अगर सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है जिसके पॉइंट मेरे को पता है ए बी सी डी, तो इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी बट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी देन पैरेललोग्राम होगा। बट अगर ये सारे आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके आप काफी सारी चीजें जो है उसे प्रूव कर सकते हो, काफी सारी थिंग्स को आप बता सकते हो कि ये कैसे बनी, क्यों बनी, उनकी कंडीशंस क्या है। फॉर एग्जांपल आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ये प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, प्रूव दैट दीज पॉइंट फॉर्म ट्रायंगल, प्रूव दैट दीज पॉइंट्स फॉर्म पैरेललोग्राम। सो बेसिकली क्या है कि उन सारी चीजों को आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आप और भी बड़ा कुछ कर सकते हो, आई एम जस्ट गिविंग द इंट्रोडक्शन। अब हम इसके कुछ सम्स सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे, बिकॉज हम कुछ सम्स अगर सॉल्व करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के तो ही आप ये जान पाओगे कि इसके जो सम्स है उन्हें कैसे के पेपर में आते हैं और किस तरीके से उनकी जो है हम सॉल्वेशन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। तो आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ सम्स सॉल्व करके बताऊंगा सो दैट कि आप अच्छे से उसको समझ पाओ, राइट? तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1। मैंने सोचा था कि चलो आपको कुछ सम सॉल्व नहीं करवाएंगे, बट सम सॉल्व करवाने जरूरी हैं, उसके बिना हमारी जो है वो गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है? सो फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। उन्होंने बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2.3 एंड 4.1। यानी कि 2.3 एंड 4.1 के बीच में हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां पे लग जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेते हो तो x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 8। तो 8 को अगर आप ध्यान से सॉल्व करोगे तो इट विल बी 2 अंडर रूट 2। सो आपको आराम से ही डिस्टेंस मिल जाएगा किसी भी दो पॉइंट्स का। ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी कई बार नहीं होती है, बहुत आसान कैलकुलेशन होती है। दैट्स व्हाई मैं बोलता हूं कि मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और अगर आप इसकी ब्यूटी को समझो तो आप ऐसे फॉर्मूले से आंसर निकालोगे जैसे कोई दिक्कत हुई ही नहीं होगी। सो बहुत ही इजी जो है हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज है। इसके मैं दो क्वेश्चन और आपको सॉल्व करके बताता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, उसमें कहा है कि प्रूव करो या बताओ, सॉरी शो दैट नहीं है, उन्होंने कहा है कि वेरीफाई दैट कि तीन पॉइंट जो है हमारे पास वो कोलिनियर है कि नहीं है, और वो तीन पॉइंट्स है हमारे पास 1.5 2.3 एंड -2.-11
माइनस टू कॉमा माइनस इलेवन, यस दीज आर द थ्री पॉइंट। तो इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, इसको आप सी मान लो। अब कोलिनियर की कंडीशन क्या आती है हमारे पास की ए बी प्लस बी सी अगर हमारा सी ए के बराबर हो जाए तो ही हमारा जो पॉइंट है वो कोलिनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहले मैं ए बी फाइंड कर लेता हूं। ए बी की वैल्यू यहां पे किसके बराबर आएगी, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर। तो यहां पे पूरा पूरा लिख ही देता हूं सो दैट आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फाइव का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर विच इज इक्वल टू फाइव। टू का स्क्वायर नहीं बेटा, मैं इसलिए सीधा लिख देता हूं क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर करने के बाद सीधा पॉजिटिव ही होना है, सो माइनस टू का स्क्वायर है बेटा, ठीक है। तो अब मेरे को बीसी निकालना है। बीसी की वैल्यू अगर आपको निकाल ली अंडर रूट ऑफ, यहां पे पहले हम x की वैल्यू ले लेते हैं, तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस इलेवन माइनस थ्री का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी माइनस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस फोर्टीन का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां पे क्या वैल्यू आएगी जरा बताओ मुझे, सोचो सॉल्व करो और बताओ क्या वैल्यूज बननी चाहिए। फोर का स्क्वायर कितना होता है 16 और 14 का 196, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी यहां पे आके, यस इट विल बी इक्वल टू 212 के बराबर। तो अब हम निकालेंगे एसी या सीए। अब 11 का और इसके साथ निकालेंगे और 2 का और इसके साथ निकालेंगे, तो मतलब माइनस टू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस इलेवन माइनस फाइव का होल स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस सिक्सटीन का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू। अब मुझे बताओ किसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस थ्री का स्क्वायर किसके बराबर होता है दैट इज इक्वल टू नाइन, और सिक्सटीन का स्क्वायर किसके बराबर होता है दैट इज इक्वल टू 256। तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 256 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 265। तो अब आप खुद ही देखो कि ए बी प्लस बी सी सी ए के बराबर है, यहां पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू थी अंडर रूट 5, बी सी की वैल्यू थी हमारे पास 265 इज इक्वल टू अंडर रूट 265। क्या ये ट्रू है, नहीं है ना, इसका मतलब है हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हुई। तो आप यहां पे सीधा सीधा लिख सकते हो कि हेंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है। सो इस तरीके से आप काफी सारे सम्स जो हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हो और आसानी से आंसर भी दे सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक सम और यहां पे सॉल्व करके बता देता हूं सो दैट आपका जो है जो मन का जो एक होता है कि यार सारे सम हर एक तरह के एक एक हो ही जाए, तो वो उससे आपका जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको एक आधा सम जो है वो और सॉल्व करके बता देता हूं, और वो सम कौन सा सॉल्व करें, काफी सारे सम्स हैं यहां पे। सो हम सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके अंदर हमारे पास एक पार्ट है फर्स्ट, उसमें बताया है कि कौन से तरीके का क्वाड्रिलेटरल है जो फॉर्म हो रहा है। तो यहां पे हम आपको सॉल्व करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट मैं यहां पे लिख देता हूं। आपको ये बताना है कि किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, ठीक है।
So points are question number 6 part 1. So points hain yahan pe kaun se bhaiya? -1 -2. Dusra point hai hamare paas 1, 0. Teesra point hai -1, 2. और तीसरा पॉइंट है -3, 0. आई थिंक सो यही है. यस दिस इज द पॉइंट. अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है. तो हम ए बी सी डी पॉइंट्स ले लेते हैं. सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे. ए बी की वैल्यू निकालने के लिए x2 - x1 मतलब 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2. अब निकालेंगे हम AB के बाद BC. BC की वैल्यू निकालोगे तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर सॉरी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 अगेन 2 अंडर रूट 2. यानी कि दो साइड्स बराबर हो गई हैं. सी डी फाइंड आउट कर लेते हैं सो दैट की आसानी से आंसर हमारा निकल आए. सी डी के अंदर आएगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगेन अंडर रूट 8 विच इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2. अब हमें फाइंड करना है डी ए क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है. तो क्वाड्रिलेटरल में ए बी बी सी सी डी और डी ए फाइंड करते हैं. तो डी ए जब आप फाइंड करोगे तो -1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर विच विल बी अगेन इक्वल टू 8 एंड इट विल बी 2 अंडर रूट 2. तो अब सारे क्योंकि ए बी बी सी सी डी और डी ए सारे के सारे इक्वल हैं देन वी कैन से दैट द गिवन कोऑर्डिनेट्स मेक स्क्वायर. So hence we can use mathematics coordinate geometry to find the different sums or बहुत easy sums होते हैं. ये सबसे ज्यादा easy sums जो है सबसे easiest chapter जो मेरे को पूरी की पूरी class 10th का लगता है वो coordinate geometry ही लगता है. काफी easy chapter है. इसके अंदर आपको ज्यादा stress लेने की जरूरत नहीं है. just distance formula लगाया और answer ढूंढ लिया. ऐसे ही simple formula आगे further exercises में है कि जिसमें distance के बाद आप section ढूंढ सकते हो ratio ढूंढ सकते हो बहुत कुछ ढूंढ सकते हो. तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट सेंड इट ऑन 9023241122. इसके अलावा किसी और चैप्टर में भी बेटा कोई दिक्कत हो यू कैन सेंड इट टू 9023241122. नहीं तो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप मार्शल इंस्टीट्यूट ऐप मार्शल के डबल एल के साथ बेटा स्पेलिंग आने हैं इंस्टीट्यूट ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. किसी के पास एप्पल का फोन है तो वो मुझे डायरेक्टली कॉल अप कर ले या मैसेज कर दे. तो आई विल सेंड द प्रोसीजर के किस प्रोसीजर से आपका जो है वो ऐप डाउनलोड होगा और किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर. कल हम बिल्कुल जो है लेक्चर नहीं लेने वाले हैं. सैटरडे और संडे ये दो मैंने दिन दिए हैं बच्चों को सो दैट कि जो जो चैप्टर्स हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स में लाइव लेक्चर्स में कवर हो चुके हैं यानी कि कोऑर्डिनेट तो आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी सीरीज। ये अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी हमारा खत्म हो चुका है। सो ये तीन चैप्टर्स जो हैं आप अच्छे से अपने बेटा रिवाइज कर लीजिए। आई जस्ट वॉन्ट कि आप सैटरडे संडे दो दिन लगा के अच्छे से अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर लीजिए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज तो बहुत इजी है, ये 10-15 मिनट में सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो जस्ट वॉन्ट यू कि आप अपना पेंडिंग वर्क सारा कंप्लीट कर लो, सो दैट कि जब हम मंडे को क्लासेस दोबारा लगाएं तो आप सारी की सारी क्लासेस को लाइव साथ साथ में कवर कर पाए। थैंक यू वेरी मच।